सो हाय करण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, हाँ जी, अरे मशीन है जो आपने काली की चलाई है, मिस्टर रोबोट की चलाई है? दोनों चलाई है यार मैंने, दिख जाती है। देखो ये काली दिख रही है तुमको हाँ, और ये मिस्टर रोबोट, ठीक ठीक है सर। है ना। तो स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं जो कल हमने कुछ स्टेप्स करे थे, होस्ट डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, लेट्स डू सुडो, लेट्स मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज फर्स्ट, दिस मच वुड बी फाइन। सुडो if config, काली 10.0.2.15 nmap hyphen sn 10.0.2.15 /24। लेट्स फाइंड आउट द टारगेट आईपी एड्रेस, दैट इज 2.4। लेट्स कॉपी इट, लेट्स परफॉर्म एन nmap स्कैन अगेंस्ट दिस टारगेट। तो हमें ऑलरेडी पता है पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 ओपन आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेट मी ओपन अ न्यू टैब हियर, लेट्स ओपन अ फायरफॉक्स ब्राउजर हियर एंड या सो अच्छा ओके, यहाँ पे एक इनकॉग्निटो टैब खोल लेता हूँ मैं, पुराने वाले ब्राउजर को बंद कर देता हूँ। शॉर्ट, ये सब स्टेप्स हमने कल करे ही थे। ठीक है ना, 10.0.2.4 यहाँ पे हमने ओपन किया था, इसको चलने देते हैं जरा। यहाँ पे कोई फोल्डर बनाया होगा मैंने रोबोट के नाम से, कहाँ बनाया है ये देखना है। और ओके, मैंने शायद बनाया नहीं। सर, कल तो करंट के डेस्कटॉप, करंट की स्क्रीन पे बन रहा था ना वो तो? हाँ, वो करंट की स्क्रीन पे बन रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आई ऑल्सो हैव इट। सो ये दो फाइल्स हमें मिली थी रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर, इफ यू गाइस रिमेम्बर, राइट? यस सर, हमने डब्ल्यू गेट करके डाउनलोड कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था वर्ड काउंट करना, डब्ल्यू सी हाइफन एल, वर्ड वर्ड काउंट यहाँ पे 8.5 लाख वर्ड इस पे आ गए थे। ठीक है ना, अब इसे हमें सॉर्ट करना है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कैसे कमांड रहेगी? सॉर्ट, सिंपल सॉर्ट एफ एसोसिएटेड डॉट डी आई सी। लेकिन मेरे को साथ ही साथ इसके अंदर जो रिपीटेड चीज़ें हैं उनको भी रिमूव करना है हाइफन यू के साथ। हाइफन यू इज़ फॉर यूनिक, ओके। तो हाइफन एच करके आप इसका हेल्प मेन्यू खोल के काफ़ी सारे फ्लैग और भी देख सकते हो। ठीक है, सेम इज विद द डब्ल्यू सी एज वेल। तो अभी सॉर्ट हाइफन यू एफ सोसिटी डॉट डी आई सी। अब ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड मेरे को यहीं पे आउटपुट दे देगी स्क्रीन पे, लेकिन वो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ इसका आउटपुट सेव हो जाना। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट को सेव कर लेता हूँ एक नई फाइल में, सॉर्टेड डॉट टी एक्स टी। ओके, तो अब कोई मेरे को बताना चाहेगा कि ये क्या होता है, वॉट इज दिस? सर, डेटा को किसी फाइल में सेव करने के लिए साइन। ठीक है, ये आपने जो मेरे को जवाब दिया ये लेमैन लैंग्वेज में जवाब दिया, सही है, गलत नहीं है, लेकिन कैजुअल सेंस में आपने जवाब दिया है। फॉर्मल सेंस में जवाब दे सकते हो? सर, जिस डायरेक्टरी को हम यूज कर रहे हैं उसी का डेटा सेव करने के लिए सर। नहीं, गलत है ये तो बिल्कुल। मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। ओके, दिस इज योर आउटपुट रिडायरेक्शन, कि जो भी मेरा आउटपुट है पहली कमांड का वो रिडायरेक्ट हो जाए इस फाइल के अंदर। अगर ये फाइल ऑलरेडी है तो एक्चुअली ये दो टाइप्स के होते हैं आउटपुट रिडायरेक्शन। देखो मैं ये भी बता देता हूँ ना कि हाँ, या तो मैं सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज करूँ या फिर मैं डबल एंगुलर ब्रैकेट यूज करूँ। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, सिंगल एंगुलर ब्रैकेट में या फिर डबल एंगुलर ब्रैकेट में? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? डिफरेंस तो आएगा 2 से और 1 से। क्या डिफरेंस आएगा? लेकिन सर कंफर्म नहीं हूँ सर इसका वैसे। हाँ, कुछ है आइडिया है कुछ बता दो सर। ये सिंगुलर जो ब्रैकेट है ये शायद पूरे डेटा को ही, जो जो भी डिक्शनरी होगी पूरे डिक्शनरी को ही लेके जाएगा। ओके, और डबल एंगुलर ब्रैकेट?
सर पता नहीं उसका। चलो मैं बता देता हूँ आपको, देखो सिंगल एंगुलर ब्रैकेट जो है और डबल एंगुलर ब्रैकेट दोनों ही आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब क्या है? आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब पहले समझ लो कि जो भी इससे पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली कमांड है, जो भी ये कमांड है, इसका जो भी आउटपुट होएगा उस आउटपुट को उठा करके इस फाइल में डाल दो। आउटपुट रिडायरेक्शन का मतलब इतना समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो पता है ना क्या होएगा, ये स्क्रीन पे जाएगा आउटपुट। चलो करके भी दिखा देता हूँ, एंटर कर दिया, आउटपुट हमारा स्क्रीन पे आ जाएगा। ये स्क्रीन पे आ गया आउटपुट, मुझे नहीं चाहिए स्क्रीन पे आउटपुट, मुझे चाहिए फाइल के अंदर। या तो यहाँ से मैं सबको कॉपी करके खुद करूँ पेस्ट, ठीक है ना, इसको पूरे को सेलेक्ट करूँ, कॉपी करूँ, एक फाइल क्रिएट करूँ, फाइल ओपन करूँ, फाइल के अंदर जाके पेस्ट करूँ, बट वो लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आउटपुट रिडायरेक्शन। तो जब मैं सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज करूंगा, लेट्स से sorted.txt, सो ये फाइल के अंदर राइट करता है सिंगल एंगुलर ब्रैकेट। डबल एंगुलर ब्रैकेट फाइल के अंदर अपेंड करता है। अपेंड का मतलब पता है ना क्या होता है, कि ऑलरेडी जो डेटा है उसके अंदर उसके आगे और डालता है। कंट्रोल सी, सबसे पहले मैं वर्ड लिस्ट का काउंट दिखाऊं तुम्हें। sorted.txt 11,000 वर्ड इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं ये सेम कमांड डबल एंगुलर ब्रैकेट के साथ अब चलाता हूँ तो क्या होएगा, अब पता है क्या होएगा? डबल हो जाएंगे सर, ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसने ये क्या करेगा, जब आउटपुट आएगा उसको इस फाइल के अंदर अपेंड कर देगा। ये देखो हर एक वर्ड अब दो दो बार हो गया। और अगर मैं सेम चीज के अंदर सिंगल एंगुलर ब्रैकेट के साथ रखूंगा अब क्या होएगा, जब मैं सिंगल एंगुलर ब्रैकेट यूज करूंगा तो फाइल के अंदर जो भी पड़ा होगा सबको रिमूव कर देगा एंड फ्रेश लिखेगा जो लिखेगा सिंगल एंगुलर ब्रैकेट। डबल एंगुलर ब्रैकेट अपेंड करेगा। वापस से वर्ड काउंट दिखाऊं, ये देखो इस फाइल में तो वर्ड डबल हो गए थे, अब वापस से कम कैसे हो गए? लॉजिक आया समझ में? यस सर। यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो फिर। चलो सो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने वर्ड लिस्ट जो है अपनी काफी अच्छे तरीके से सॉर्ट कर ली है, ठीक है। fsociety.dic 8.5 लाख वर्ड से मैं 11,000 वर्ड पे आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा कल हमने पासवर्ड निकाल लिया था ना गाइस, ब्रूट फोर्स कर लिया था, WP स्कैन चला लिया था सर, वो वर्डप्रेस में लॉगिन हुआ था। वर्डप्रेस में लॉगिन तक पहुंच गए थे ना हम जी। चलो ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने निक्टो वगैरह रन किया एंड निक्टो से हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है वेबसाइट पे WP वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है बोले तो यहाँ पे वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होगा, लॉगिन पैनल होगा। यहाँ पहुँचे हम तो यहाँ पे फिर हमने क्रेडेंशियल्स ट्राई करे। क्रेडेंशियल्स ट्राई करते करते हमें एलियट क्रेडेंशियल मिल गया था, एलियट मिल गया था एंड यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया था कि एलियट एक वैलिड यूजर नेम है, ठीक है। फिर हमने WP स्कैन के साथ ब्रूट फोर्स किया था, ठीक है, एंड सॉर्टेड हमें पासवर्ड मिला था, कुछ ER करके मिला था हमें, ये था पासवर्ड, ये पासवर्ड मिल गया था। कंफर्म कर लेता हूँ डाल करके एक बारी, राइट सर। हाँ जी। अरे WP स्कैन वाला दोबारा बता दो, क्योंकि कल मेरा नेटवर्क चले गया था ना बीच में। और वीडियो मैंने देखी नहीं थी ना। चलो सर वीडियो। हाँ हाँ बोलो, बहाने क्या है, क्या बहाना है सर? बहाना नहीं आ रहा, मैं वाला सर वीडियो देखी ही नहीं मैंने। भाई तो मैं कह रहा हूँ वीडियो मैंने देखी नहीं थी, वीडियो ना देखने का क्या बहाना है। चलो तो WP स्कैन, यार हमारे पास वर्डप्रेस स्कैनर होता है डेडिकेटेडली, ठीक है। WP स्कैन आपको यूज करना है। अगर आपको फ्लैग्स याद नहीं है तो आप -H करके देख सकते हो WP स्कैन के बारे में,
चलो लिखते हैं sudo wp scan ओके हाइफन हाइफन url टारगेट url देना है यहाँ पे हमको इट इज 10024 followed by hyphen capital U, that is Elliot. Hyphen capital U है यूजर नेम, hyphen capital P है पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे मैंने दे दी है फाइल कि भाई ऐसा करना इस टारगेट URL पे इस यूजर नेम के साथ ब्रूट फोर्स अटैक करना. यूजर नेम तो एलियट रखना और पासवर्ड तुम sorted.txt से उठा उठा करके ब्रूट फोर्स करना. ठीक है, आगे कमांड समझ में? यस सर. एंटर कर दिया मैंने. डू यू वांट टू अपडेट नाउ? नो, आई डोंट वांट टू अपडेट नाउ. सो यार यहाँ पे ये इसने ब्रूट फोर्स स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, अब हम ब्रूट फोर्स के एंड होने का वेट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगा कि क्रेडेंशियल्स फाउंड सक्सेसफुल लॉगिन, और मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड बता देगा. ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे कर रहा है ब्रूट फोर्स, दिख रहा है ट्राइंग एलियट और ये पासवर्ड ट्राई कर रहा है. अलग अलग जो पासवर्ड है जो हमारी डिक्शनरी में थे 11,000 कुछ थे जो सबको अटैक करेगा, वो सब ट्राई कर रहा है एक एक करके. इसलिए हमने अपनी वर्ड लिस्ट को सॉर्ट किया है कि अगर मैं 800,000 वर्ड्स ट्राई करूंगा तो भाई मैं दिन भर बैठा रहूंगा यहाँ पे, तो बहुत टाइम कंज्यूम होएगा. ठीक है ना. हाँ, तो उससे अच्छा ये है कि भाई मैं पहले अपना होम क्लीनिंग का काम कर लूँ, अपनी तरफ से उस वर्ड लिस्ट को थोड़ा साफ सफाई उसकी कर लूँ. रिपीटेडली वो सेम पासवर्ड ट्राई करेगा जो फेक है गलत है, उसका कोई सेंस नहीं बनता. तो इसलिए मैंने पासवर्ड को यूनिकली सॉर्ट कर लिया था एंड उनको हाँ यूनिकली सॉर्ट कर लिया था बस. हाँ, रिपीटेड चीज़ें मैंने हटा दी थी. सो 11,000 पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 800,000. ओके, काफ़ी सारी जगहों पे आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे इसका वॉक थ्रू वगैरह देखोगे तो लोगों ने डिक्शनरी को सॉर्ट नहीं कर रखा है. ठीक है, या फिर कोई अगर आपको गाइड कर रहा है या बता रहा है, हिंट्स दे रहा है, वॉक थ्रू दे रहा है, तो वो आपको सॉर्ट करने का नहीं बता रहा है. तो सॉर्ट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, कभी भी आपको कोई डिक्शनरी मिले उसे यूनिकली सॉर्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, एंड उसका मीनिंग सिग्निफिकेंस जो है समझ में आता है आपको यहाँ पे कि क्यों जरूरी है. ठीक है, ओके चलो इसको चलने देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, वही ER वाला जो मैंने पासवर्ड जिससे लॉगिन किया. ठीक है, ये हमने कल कर ही लिया था. सो अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि क्या हमने गेनिंग एक्सेस कर लिया है? तो जवाब है नो. ठीक है ना, हमने मशीन के अंदर तो एक्सेस गेन करी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने वेब सर्वर पे जो ये CMS चल रहा है वर्डप्रेस, हमने वर्डप्रेस की एक्सेस गेन कर ली है. ठीक है, अब वर्डप्रेस की एक्सेस गेन कर ली है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस चीज से मैं क्या कर सकता हूँ? कोई आप मेरे को कुछ आइडिया देना चाहोगे? किसी ने वर्डप्रेस यूज किया है, एडिट का ऑप्शन जो आ रहा है, सेव ड्राफ्ट. सेव ड्राफ्ट कहाँ आ रहा है? ये क्विक ड्राफ्ट जो आ रहा है, टाइटल और वर्ड्स ऑन माय, हां इसमें हम कुछ भी लिखकर इसे सेव करें तो शायद एक फ्लैग मिले. राइट, ठीक है. देखो हमारा CTF में, जैसे हम CTF कर रहे हैं तो मोटिव तो होता है कि हमें फ्लैग मिले, मेन मोटिव होता है फ्लैग मिले. लेकिन हमारा एक और मोटिव होता है जो उससे बड़ा मोटिव होता है, वो मोटिव होता है कि हमें शेल मिले, शेल एक्सेस मिले टारगेट सिस्टम का. ठीक है ना, एक बार ही मुझे शेल एक्सेस मिल जाता है अगर टारगेट सिस्टम का, तो फिर तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ उसके ऊपर. नहीं तो जैसा कि आपने पॉइंट किया यहाँ पे कि भाई ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल रहा है, सेव ड्राफ्ट है, हमें कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ एंटर कर सकते हैं. तो एक्चुअली क्या है, वर्डप्रेस पे जो भी वेबसाइट पे पेजेस वगैरह होते हैं वो यहीं से ही मैनेज होते हैं. कहाँ से मैनेज होते हैं? देखो जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को पहुँचोगे, फर्स्ट टाइम जब आप पहुँचोगे एक्सप्लोर करोगे, तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये क्या है, होम क्या है, अपडेट क्या है, पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है, पेजेस क्या है, कमेंट्स क्या है, अपीयरेंस क्या है, सब कुछ एक्सप्लोर करोगे मैन्युअली. ठीक है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है बहुत ज़्यादा.
ठीक है, मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज किया हुआ है, वेबसाइट्स भी होस्ट कर रखी है, मैंने स्पेसिफिकली मशीन भी करी हुई है, सो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। मुझे जाना है अपीयरेंसेस में एंड देन जाना है एडिटर में। एडिटर में मैं क्यों गया हूँ? एडिटर में मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को दिख रहा है कि जो पूरी पूरी वेबसाइट का सोर्स कोड है ना, जितने पेजेस हैं उन सब का कोड पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट डॉट पी एच पी। ओके, सो यहाँ पे जो है मेरे पास ऑप्शन है वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करने का, कंटेंट में भी स्पेसिफिकली सोर्स कोड को चेंज करने का। मतलब मैं अपनी मर्जी का यहाँ पे कोड रन कर सकता हूँ। मैं जो यहाँ पे PHP का कोड डालूंगा वो सर्वर पर रन हो जाएगा, अभी भी रन हो ही रहा है, लेकिन मेरी मर्जी का नहीं हो रहा है। ये जो डेवलपर ने बनाया है देखो PHP का कोड, ये वो रन हो रहा है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं PHP का एक रिवर्शन लूंगा, उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और टारगेट सर्वर पे एग्जीक्यूट करवा दूंगा। मालवेयर के सेशन में मैंने आपको रिवर्स शेल के बारे में बताया था कि रिवर्स शेल का पेलोड जब टारगेट सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है? सर टारगेट सिस्टम का ना हमारे होस्ट सिस्टम पे कनेक्शन बनाता है, ठीक है ना, एक कनेक्शन बनाता है, एक रिवर्स कनेक्शन आता है टारगेट सिस्टम से होस्ट सिस्टम। अगर टारगेट सिस्टम पे हमारा मेलिशियस रिवर्स शेल का कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो, ठीक है, तो बस यही करेंगे, ये वेब सर्वर कहाँ चल रहा है, दूसरी मशीन पे चल रहा है, ये कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। सर्वर क्या है? मिस्टर रोबोट मशीन है सर्वर यहाँ पे, ठीक है ना। सो सिंपल है, अपने काली में जाते हैं। काली में हमारे पास बहुत सारे विभिन्न किस्म के रिवर्स शेल पड़े होते हैं ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, ये देखो पासवर्ड आ गया यहाँ पे, वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड सक्सेस, ये देखो डब्ल्यू पी स्कैन, ठीक है अजय, आकाश किसको, ठीक है। ओके, सो डायरेक्टरी होती है, लेट्स गो सीडी यूजर शेयर वेब शेल्स, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में वेब शेल्स हैं, ठीक है। मेरे टारगेट सर्वर पे मैंने देखा PHP चल रही है, तो PHP में चलता हूँ फिलहाल। बाकी लैंग्वेजेस भी कभी ना कभी हम यूज़ करेंगे जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, तो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। फॉर द टाइमिंग लेट्स डू अ क्लियर स्क्रीन। PWD कहाँ पे हूँ मैं? यहाँ पे हूँ मैं। लेट्स डू एन LS। यहाँ पे कुछ रिवर्स शेल पड़े हैं जैसे कि PHP बैकडोर डॉट PHP, ओके, PHP रिवर्स शेल डॉट PHP, ओके, अलग अलग है यहाँ पे। मुझे क्या यूज़ करना है? मुझे रिवर्स शेल यूज करना है अभी, ठीक है। सो लेट्स डू अ कैट PHP रिवर्स शेल डॉट PHP, लेट्स एंटर। सो ये PHP का कोड है, ठीक है, ये PHP का कोड है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है। चलो मैंने आपको जब ये इमेज दिखाई होगी तब आपको बताया होगा कि रिवर्स शेल के अंदर हमें वैल्यूज डालनी होती है हमारे एल होस्ट की और एल पोर्ट की। एल होस्ट बोले तो अटैकर आईपी एड्रेस एंड एल पोर्ट बोले तो अटैकर का पोर्ट नंबर। जिस आईपी एड्रेस पे और जिस पोर्ट नंबर पे एक कनेक्शन आएगा, ठीक है, याद आ रहा है कुछ के सब भूल गए? यस सर। सर तो हम जो है यहाँ पे भी अपनी फाइल के अंदर यहाँ वैल्यूज आप देखोगे, ये एल होस्ट और एल पोर्ट की वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज डालेंगे? हमारी काली का आईपी एड्रेस डालेंगे एंड काली का पोर्ट नंबर डालेंगे, ठीक है, जिसपे कनेक्शन आएगा।
एंड उस पर हम कनेक्शन फिर कैच करेंगे, ठीक है? सो लेट्स कॉपी दिस थिंग. पहले इस पूरे पूरे शेल को कॉपी कर लो, पीएचपी के कोड को. ये मैंने कॉपी कर लिया. लेट्स गो टू आर डब्ल्यू पी. यहाँ पे 404.php, 404.php से कुछ समझ में आता है आपको? क्या है ये 404.php? डिनाइड वाला है ना, एरर आ जाता है एरर के लिए. जब कोई कंटेंट सर्वर पे नहीं होता ना, सर साइट पे नहीं होता, तो ये दिखाता है. तो ये जो है हमारा डिनाइड वाला नहीं है, एक्सेस डिनाइड का एरर नहीं है, ये हमारा नॉट फाउंड का एरर होता है. 404 के वेब पेज नॉट फाउंड ऐसे करके आता है. तो 404.php तब एग्जीक्यूट होती है हमारी जब आप कोई इनवैलिड यूआरएल डालते हो, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया कि 404.php अगर आपको एग्जीक्यूट करानी है तो कैसे कराओगे? यूआरएल के अंदर कुछ भी अगर आप इनवैलिड डायरेक्टरी इनवैलिड पाथ डालते हो तो 404.php एग्जीक्यूट होगी. या तो एक ये तरीका है, या फिर डायरेक्टली यूआरएल में डाल दो /404.php, तो सीधा 404.php एग्जीक्यूट हो जाएगी. सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे अपने 404.php में अपना शेल कोड डालूंगा, ठीक है? लेट्स डू इट. सो यहाँ पे मैंने अपना जो है शेल कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है? लेट्स सी. ये देखो, ये वही शेल कोड है जो मैं वहां से कॉपी करके लाया था. एंड लेट्स, और मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या था? 10.0.2.4, राइट? नो सॉरी, 10.0.2.15 आईपी एड्रेस ले लेता हूँ. एंड इसको जाके यहाँ पे डाल देता हूँ चेंज. इसमें यहाँ पे मेरी मशीन का आईपी एड्रेस आ गया है एल होस्ट 10.0.2.15. एल पोर्ट में वैल्यू है 8080, ठीक है जी? एल होस्ट और एल पोर्ट कन्फिगर कर दिए हैं. रिवर्स शेल मैंने 404.php पे डाल दिया. इतना क्लियर है? यस सर. अपडेट करूं इसको? अपडेट फाइल. फाइल एडिटेड सक्सेसफुली. सो 404.php पे अब मेरा कोड रन करेगा, मेरा रिवर्स शेल का कोड रन करेगा. लेट्स गेट बैक टू दिस पॉइंट. अब जब ये शेल कोड, जब भी मेरा रिवर्स शेल रन करेगा तो होएगा क्या? एक्चुअली होएगा ये कि अटैकर मशीन से, अटैक सॉरी विक्टिम मशीन से एक कनेक्शन आएगा मेरे पास. कहाँ गई इमेज? ये एक मिनट दो, जरा स्टाइलस देखूंगा. हाँ, सो इस मशीन से कनेक्शन निकलेगा मेरे पास अटैकर मशीन पे. तो अटैकर आईपी तो ठीक है, अटैकर पोर्ट में मैंने 8080 डाल दिया, ठीक है? लेकिन अगर मेरी मशीन पे अटैकर पोर्ट पे अगर अटैकर पोर्ट ओपन ही नहीं होगा तो कनेक्शन का क्या होएगा? कनेक्शन मिल पाएगा मेरे को कभी? जवाब है नहीं. नो सर, कभी नहीं मिलेगा कनेक्शन, ठीक है ना? तो मुझे जो है ये पोर्ट ओपन करना पड़ेगा एंड इस पोर्ट पे लिसनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कि भाई मैं सुन रहा हूँ इस पोर्ट पे कि कुछ आएगा. आई एम वेटिंग फॉर समथिंग टू कम. आई एम वेटिंग टू कैच द रिवर्स शेल दैट इज गोइंग टू कम. ओके, सो कैसे ओपन करूंगा अपने ये शेल? एग्जीक्यूट कराने से पहले मेरे को पोर्ट ओपन करना पड़ेगा. एक बार चेक करवाऊ मैं. देखो भी सारे पोर्ट क्लोज्ड है, ठीक है? पोर्ट ओपन कर लेते हैं जरा. NC-NVLP 8080. सो दिस इज, आप देख सकते हो अब मेरे पास यहाँ पे ये पोर्ट ओपन है, ठीक है? कैसे ओपन किया है? ओके, मेरे एंड में अपना कनेक्शन बना लिया इसके साथ. चलो, सो आप यहाँ पे देखोगे मैंने नेट कैट की मदद से
पोर्ट ओपन कर लिया है। नेटकैट एक यूटिलिटी है जिससे आप कनेक्शंस बना सकते हो, पोर्ट्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैग कौन कौन सा यूज़ किया है, एन वी एल पी, ये अलग अलग फ्लैग्स है, एन अलग है, वी अलग है, एल अलग है, पी अलग है। एन इज फॉर डू नॉट रिजॉल्व फॉर डी एन एस, वी इज फॉर वर्बोसिटी, एल इज फॉर लिसनिंग स्टेट, कि जो मैं पोर्ट ओपन कर रहा हूँ उसको लिसनिंग स्टेट में ओपन करूँ, इट इज लिसनिंग फॉर एन इनकमिंग कनेक्शन, एंड पी इज फॉर पोर्ट नंबर, ठीक है। तो पी फ्लैग देने के बाद मैंने फिर पोर्ट नंबर भी दे दिया कि इस पोर्ट में मैं कनेक्शन लिसन करूंगा, ठीक है जी। यहाँ चलते हैं। सो स्क्रीन डिवाइड कर लिया मैंने ताकि आप पैरेलली देख पाओ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल पे क्या हो रहा है, ठीक है। नोटिस करना, यहाँ चलते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपने सर्वर पे सीधा 404.php एग्जीक्यूट करवाने लगा हूँ, ठीक है। अब क्या होएगा 404.php अगर एग्जीक्यूट कराऊंगा तो, क्या करेगा ये जो हमारा फाइल को फाउंड कर लेगा, फाउंड तो कर लेगा, हमारा कोड कौन सा एग्जीक्यूट होएगा जो 404 के टेम्पलेट के अंदर पड़ा हुआ है, वही कोड एग्जीक्यूट होएगा ना, ये वाला पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। वो कोड एग्जीक्यूट होने पे हमारे पास लेफ्ट साइड में कनेक्शन आएगा, तो देखना मैं एंटर मार रहा हूँ, ये देखो लेफ्ट साइड में शेल कनेक्शन आ गया मेरे पास एक, यस सर, मैंने एक कनेक्शन कैच कर लिया है, टर्मिनल आ गया है, लेट्स डू हु एम आई, सो आई एम करेंटली यूजर डीमन, ओके लेट्स डू एन आईडी, होस्ट नेम, ये बेसिक कमांड है, कभी भी आप शेल करोगे, खैर अभी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब करेंगे तो ये सब चीज़ें रट जाएंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि हम रिपीटेडली, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये तो करनी करनी है, कुछ चेक करना ही करना है कि आपको जो शेल मिला है नाम क्या है उसका, आईडी क्या है, होस्ट नेम क्या है, ठीक है, किस प्रिविलेजेस के साथ मिला है। चलो ठीक है, आईएफ कॉन्फिग करके कंफर्म कर दूं कि कौन सी मशीन के अंदर हूं मैं 10.0.2.4 के अंदर हूं। गेनिंग एक्सेस हो गई गाइस, यस सर, सक्सेसफुली मैं मशीन के अंदर घुस गया हूं, ठीक है, ओके। सो होम डायरेक्टरी में जाते हैं, cd/home, यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे एक यूजर है रोबोट के नाम से, लेट्स गो इनटू रोबोट फोल्डर, ओके, pwd, कहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे हूँ मैं, लेट्स डू एन ls, दो फाइल्स हैं यहाँ पे, ls-l, ls-l किया तो key 2of3.txt, password.raw-md5, ओके, की मिल गई है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे पास ये दूसरा फ्लैग मिल गया है, ठीक है, लेट जस्ट कॉपी दिस थिंग, पेस्ट दिस थिंग, एंड इट सेज परमिशन डिनाइड, कोई बता सकता है क्यों परमिशन डिनाइड आ रही है? प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रीड प्रिविलेजेस है इस फाइल को, केवल और केवल रीड है, केवल और केवल रोबोट यूजर इसको रीड कर सकता है, यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑक्टेट होता है हमारे पास, ऑक्टेट कर रहा हूँ, लास्ट वाला जो ये स्लॉट होता है, ये अदर्स की परमिशन होती है, वहाँ पे कोई भी परमिशन अवेलेबल नहीं है, याद है हमारा इंट्रोडक्ट नहीं, लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस में मैंने आपको परमिशंस वगैरह बताई थी, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, yes, sir. याद है सर, आ रहा है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट की तीन परमिशन होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, इस फाइल को केवल एक इंसान रीड कर सकता है, वो है रोबोट, रोबोट जो यूजर है, ठीक है, और हम रोबोट यूजर नहीं है, हम कौन है, हम तो डीमन है, हु एम आई, वी आर डीमन, तो अब मुझे जो है अगर ये फाइल रीड करनी है तो मुझे रोबोट यूजर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब रोबोट यूजर बनने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा मशीन के अंदर कि मैं अपने प्रिविलेजेस डीमन यूजर से रोबोट यूजर पे कैसे ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो एक और फाइल है यहाँ पे password.raw-md5, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है इसके अंदर,
सर डीमन का पासवर्ड रूट यूजर पे जाने का पासवर्ड ओके सो एक ने बोला डीमन का पासवर्ड एक ने बोला रोबोट का रूट का पासवर्ड किसी ने भी ये नहीं बोला रोबोट का पासवर्ड बट कोई बात नहीं एक तरीके से आप दोनों ही सही हो और एक तरीके से आप दोनों ही गलत हो यहाँ पे ये अज्यूम करना कि ये डीमन का पासवर्ड है या फिर रूट का पासवर्ड है वो गलत है ठीक है वो तो हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि पासवर्ड है ये चीज क्लियर है कि पासवर्ड है इसके अंदर पासवर्ड है ये क्लियर है अब किसका है देखते हैं अभी ये क्लियर है ना पासवर्ड है सर ये भी क्लियर है कि वो MD5 फॉर्म में है MD5 एक हैश का फॉर्मेट होता है उसने मेरे को फाइल के नाम ने मुझे बता दिया कि ये रॉ MD5 फॉर्मेट में है कैट करूं कैट अच्छा मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूं क्या दो से नहीं कर सकते इस फाइल को रीड कर सकते हैं हाँ कर सकते सर रीड की प्रिविलेज है इसके पास हाँ ठीक है ना कुछ कह रहे थे बाबू सर वो MD5 हैश में ना तो उस जो आप कैट करोगे उसे ओपन नहीं कर सकते उसे प्लेन टेक्स्ट में करने के लिए MD5 डिक्रिप्टर चाहिए हाँ वो करना रहेगा लेकिन अभी मैं एटलीस्ट हैश फॉर्मेट तो व्यू कर सकता हूँ जो भी कंटेंट है फाइल का वो तो व्यू ही कर सकता हूँ ना तो फाइल को जब मैंने रीड किया कैट फाइल नेम ठीक है इसको मैं रीड कर सकता हूँ मेरे पास परमिशन है रीड की ठीक है तो मुझे दिखता है यहाँ पे फॉर्मेट रोबोट कोलन समथिंग ब्ला 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 तो यहाँ से मैं समझ पाता हूँ कि भाई ना तो ये रूट का पासवर्ड है ना ही डीमन का पासवर्ड है ये तो रोबोट का पासवर्ड है ये रोबोट यूजर का पासवर्ड है ठीक है एंड पासवर्ड क्या है पासवर्ड हमारा यहाँ पे हैश फॉर्मेट में है मैं सीधा इस पासवर्ड को यूज़ नहीं कर पाऊँगा मुझे इस पासवर्ड को पहले क्रैक करना पड़ेगा तभी यूज़ कर पाऊँगा ठीक है जी इसको कॉपी कर लेते हैं अब सवाल आ जाता है क्रैक कैसे करेंगे ठीक है तो क्रैक करने के लिए चलेंगे वापस फायरफॉक्स में तरीके देखो बहुत सारे हैं क्रैक करने के हैश कैट से क्रैक कर सकते हैं जॉन द रिपर से भी क्रैक कर सकते हैं ये दो टूल्स हैं काली के अंदर इनबिल्ड आते हैं लेकिन इन दोनों को टूल्स को यूज करने के लिए आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर यूज होगी ठीक है और अगर आप मेन मशीन पे काली नहीं चला रहे हो ठीक है और अगर आपके पास 16 GB रैम 8 GB रैम से कम है 8 GB रैम से कम है और GPU वगैरह नहीं है तो काफी टाइम लग जाता है क्रैक करने में ठीक है सो मैंने तो ऐसे सब कामों के लिए एक अलग से मेरे पास एक मशीन है वर्क स्टेशन है जिसमें डेडिकेटेडली काली चलता है तो उसको क्रेकन बोल देता हूँ मैं उसका नाम मैंने क्रेकन ही रखा हुआ है सो जो भी क्रैकिंग का ब्रूट फोर्सिंग का काम रहता है वो वहाँ पे होता है क्योंकि वो हाई एंड रिसोर्सेज है ठीक है ये तो एक तरीका था जब आपके पास वर्क स्टेशन हो अलग अलग लैपटॉप्स हो सिस्टम्स हो तो आप डेडिकेटेडली ये कर सकते हो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो आप जा सकते हो क्रैक स्टेशन पे वेबसाइट ब्राउजर पे ये क्या करेगा ये आपकी प्रोसेसिंग पावर यूज नहीं करता है इसने ऑलरेडी जो है क्रैक करके रखे होते हैं हैशेस ठीक है ये सब डेटाबेस में लुक को करके आपको दे देगा यहाँ पे क्या करना है आपको अपना हैश डालना है हैश मैंने पेस्ट कर दिया नाम से समझ में आ रहा है क्रैक स्टेशन पासवर्ड हैशिंग सिक्योरिटी डिफ्यूज सिक्योरिटी क्रैक स्टेशन फ्री पासवर्ड हैश क्रैकर समझ में आ गया क्या है ये क्रैक हैश क्रैकर है ये ठीक है कौन कौन से हैश क्रैक कर देगा ये NTLM LM MD MD2 MD4 MD5 SHA-1 SHA-256 ब्ला 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 यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है जी कोई डाउट है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो भी मुझसे पूछो पूछो जल्दी पूछो आकाश नो डाउट सर आ गया सर समझ में अमित सर ठीक है सर ठीक है सब सही चल रहा है बढ़िया चल रहा है हाँ सर ओके सो आई एम नॉट अ रोबोट लेट्स डू अ फुल स्क्रीन हियर टैक्सीज 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 एनीथिंग एल्स आई एम नॉट अ रोबोट ओके क्रैक हैशेस पे क्लिक किया मैंने एंड इसने मेरे को बहुत ही जल्दी से हैश क्रैक करके दे दिया है इतनी जल्दी कभी आपके सिस्टम पे हैश क्रैक नहीं हो सकता ठीक है ध्यान रखना एंड रिजल्ट में क्या आया मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड आ गया है पासवर्ड क्या है
ए बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड, ठीक है कॉपी कर लो। तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे मिल गया है यूजर नेम रोबोट है, रोबोट का यूजर नेम का पासवर्ड ये है। तो अब या तो मैं मशीन में जाके ट्राई कर सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ यहाँ पे जाके ट्राई कर सकता हूँ, लिनक्स लॉगिन रोबोट यूजर एबीसीडी पासवर्ड रोबोट यूजर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंटर एंड यू कैन सी दैट आई हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू दिस मशीन राइट एंड हु एम आई हियर आई एम द यूजर मिस्टर रोबोट रोबोट यूजर ओके बट दिस इज नॉट द राइट वे राइट मशीन को तो हमें टच नहीं करना ना, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको ये पता रहे कि मैं इस क्रेडेंशियल्स के साथ रोबोट मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स लीव दिस थिंग फॉर अ वाइल ओके, लेट्स अज्यूम हमने जो है मशीन को टच नहीं किया, मशीन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मुझे यहीं से ही इस शेल के ऊपर ही मेरे को, अभी मैं डीमन यूजर हूँ मुझे रोबोट यूजर बनना है, तो कोई बता सकता है मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? सुडो sudo is for root privileges okay, sudo is not for changing user, for change user we have got command su, su is for switch user, su followed by robot okay, su must be run from a terminal right, so ye shell ko pehle mereko upgrade karna padega, python hyphen c import pty pty.spawn spawn slash bin slash bash yeah, so who am I? अच्छा कमांड देख के कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल ये पाइथन का एक मॉड्यूल है जो मैंने यूज किया है एक शेल स्पॉन करने के लिए, ठीक है एक स्टेबल शेल स्पॉन करने के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में के मॉड्यूल्स हम इसको एक्सटेंसिवली देखेंगे, रिपीटेडली यूज भी करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। शेल को स्टेबलाइज करने का एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म का एक केवल फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। मैं पूरा यहाँ पे शेल स्टेबलाइज करने के प्रोसेस को नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बस आपको जो हमें रिक्वायरमेंट है केवल उतना बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको और डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। सो अब मैं करूँ रन, हु एम आई से मैंने देखा डीमन एस यू रोबोट, हाँ एस यू कमांड क्या करती है, स्विच यूजर करती है, I want to switch my user to robot. तो robot जब user पे switch करना तो robot का password भी चाहिए, तो password मैं डाल देता हूँ यहाँ पे A से लेके Z, enter कर दूँ, देखो user मेरा change हो चुका है, shell पे ही दिख जाना चाहिए आपको यहाँ पे robot, यहाँ पे daemon है, फिर भी करके दिखा दूँ confirm who am I कर दूँ, robot user, बात आ रही है समझ में? यस सर। ls करूं अब तो फ्लैग रीड कर सकता हूं, ये रोबोट यूजर रीड कर सकता था, अब तो रीड करने दो, फ्लैग रीड कर लिया, अब ये फ्लैग रीड हो सकता है। ठीक है जी, सो ये था हमारा लास्ट एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, आपको आइडिया देते हुए फ्लेवर देते हुए ये मशीन मैंने यहाँ पे डाली हुई थी मॉड्यूल में, हम ये करेंगे। एक्चुअली ये एक तरीके से मशीन यहाँ पे एंड नहीं हुई है, ठीक है ना, तो लेट मी ओपन अ पेंट, अभी क्या रह गया इस मशीन के अंदर, आपने देखा होगा कि पहले मेरे को डीमन मिला यूजर, शेल एक्सेस मिला मेरे को, किस प्रिविलेज के साथ मिला, डीमन के साथ मिला, फिर मैंने अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट करी और यहाँ से मैं बन गया रोबोट,
रोबोट एक यूजर था वहां पे, लेकिन अभी भी मेरे पास पूरी प्रिविलेजेस नहीं है इस मशीन के ऊपर। इसके ऊपर भी एक यूजर होता है, क्या नाम होता है उस यूजर का? सर रूट। ओके दैट इज रूट, ठीक है जी। एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है ना। कि जिस भी प्रिविलेजेस के साथ आपको शेल मिला है, यहां से आपको अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट करते हुए ऑल द वे टू द टॉप जाना होता है। अगर आपको रूट लेवल का शेल मिल जाता है तो मशीन पे ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते हो? सर रूट के पास तो फिर सारे एक्सेस सारे वो होते हैं ना उसके पास तो। एग्जैक्टली, रूट इज योर सुपर यूजर हियर। ओके, ये तो हमारी लिनक्स मशीन थी तो इसलिए रूट था। विंडोज में क्या रहता है? विंडोज में रहता है आपका एंटी अथॉरिटी सिस्टम। एंटी अथॉरिटी सिस्टम करके रहता है सबसे टॉप पे, हमें वहां पहुंचना होता है। जिस भी यूजर से हम स्टार्ट करें पहुंचना वहां होता है। तो क्या रहता है कि अभी अगर मैं डीमन यूजर हूं तो मेरे पास लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं, लिमिटेड राइट्स होती है मेरी, कि भाई मैं ये फाइल देख सकता हूँ, ये फाइल नहीं देख सकता, ये एक्टिविटी कर सकता हूँ, ये एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं रोबोट यूजर बन गया, डीमन से रोबोट बन गया, तो मेरी कुछ प्रिविलेजेस बढ़ गई, सिंपल है। तो मैं कुछ एक दो चीजें और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं सारी चीजें नहीं कर सकता, ए टू जेड सारी चीजें मैं तब भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उस चीज के लिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, एंड दैट इज कवर्ड इन योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, एक थोड़ा सा आइडिया देते हुए, हमने यहाँ पे एक प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म किया है, लेकिन वो बहुत छोटा सा और बेसिक किया है हमने, जो हमने सिंपल पासवर्ड फाइंड आउट किया, पासवर्ड को क्रैक किया, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन का कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको मतलब एक प्रोसेस बता दूं, मतलब एक पाथ बता दूं कि भाई जब भी आपको शेल मिले तो ये चार कमांड राइट करो, ये लिखो और आप रूट बन जाओगे, वो नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है प्रिविलेज एस्केलेशन, एंड काफ़ी लोग बाग शेल ले लेते हैं चीज़ों मशीन्स का, लेकिन प्रिविलेज में फंस जाते हैं, ठीक है। लिनक्स का प्रिविलेज एस्केलेशन टोटली डिफरेंट होता है विंडोज के प्रिविलेज एस्केलेशन से, ठीक है। विंडोज में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं, लिनक्स में चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं, डिपेंड करता है आप टारगेट मशीन क्या टारगेट कर रहे हो। तो हमने जो मिस्टर रोबोट मशीन जो टारगेट करी है आज के सेशन में, ये किस टाइप की मशीन थी? ये लिनक्स बेस्ड मशीन थी, ठीक है। जो टर्मिनल हमें यहाँ पे मिला, जो हमें शेल एक्सेस मिला, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं लिनक्स की कमांड चला रहा था, राइट, PWD, WHOAMI, LS, LS-L। आई होप सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये टारगेट मेरे पास विंडोज मशीन होती और जब उसका मेरे को शेल मिलता, तो मेरे को लिनक्स की कमांड चलाने की राइट्स नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे मेरे को ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है ना विंडोज का, विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट वाली कमांड चलती है वहाँ पे, जिसमें कि LS, PWD ऐसी कमांड्स वहाँ पे नहीं चलती, ठीक है। विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट की टोटली डिफरेंट कमांड्स होती है। ओके, विंडोज राइट, जो आप इतने सालों से यूज करते आ रहे हो। तो सर हम वो PT में करेंगे, हम PT में करेंगे, राइट, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है हम PT में करेंगे एक्सटेंसिवली कवर, ठीक है ना, क्या चीजें कैसे होती हैं। सो ये हमारे पास मशीन थी मिस्टर रोबोट। ओके, एंड इसी के साथ आपका CH खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरे करिकुलम में कुछ दो चार चीजें नई सीखने को मिली हो, ठीक है। चल लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।